आसिफ की 24 ईयर ओल्ड था, वो 24 साल का था। ईद के बाद उसकी शादी थी। वालदा का इतना लाडला कि पागल हुई पड़ी है मामा। उसने कहा था कि भाईजान मैं अब अच्छी जगह पे नौकरी पे लग गया हूँ, कोई भी काम शुरू कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं पूरा बाजू हूँ आपका। सोशल मीडिया ने तो 3-4 दिन हो गए मेरी अम्मी को भी मार दिया है, लेकिन ये ज्यादती है जी। बिल्कुल, इस वक्त डिजकोट रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद दिन पहले आसिफ नामी 24 साल का लड़का अपनी जान की बाजी हार गया। पतंगबाजी का ये खूनी खेल एक और जान ले गया। शहरे फैसलाबाद में आसिफ नामी लड़का चंद दिन पहले जो अपनी जान की बाजी हारा, उसके घर वाले उसको किस तरह से याद करते हैं, आसिफ के क्या ख्वाब थे, आसिफ ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी में किन चीज़ों के बारे में सोचा था, और इसके साथ साथ आसिफ किस तरह की तबीयत का मालिक था, उसके घर वालों से, उसके दोस्तों से और उसके अलाका मकीनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आए आपको लिए चलते हैं। करीब से आपने उसको देखा होगा, क्या कहेंगे कि क्या वाकया था? वो बच्चा जो है जी बहुत ही कमजोर बच्चा था, और पूरी उसकी 23-24 साल ज़िंदगी में वो जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम, इसके अलावा मुझे नहीं लगता उसने कोई हॉट वर्ड्स यूज़ किए होंगे। इफ्तारी का सामान कुछ लेना था, कुछ ले आया था, 11वीं शरीफ थी, उसके लिए मम्मी को सामान वगैरह ला के दे दिया और कहता मैं आता हूँ 5 मिनट तक, बस फिर वो कोई नहीं आया। जो अलाका मकीन थे, उनके साथ रहते थे, जो आसिफ को देखते थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर मुझे बताइएगा कि आप आसिफ को देखते थे, वो इस मोहल्ले में होता था, घर से बाहर निकलना किस तरह का रवैया था, कैसे तबीयत था? वो किसी के साथ ग्रुप में नहीं शामिल था, वो आता था सुबह काम पर जाता था, सलाम लेता तो चले जाता था, किसी लड़के के साथ आरा वगैरह कोई तकलीफ कर कोई बता ओमन पसंद शरीर था, नमाजी परहेजी आदमी थे। पैगाम देते हैं कि ये जो एक खूनी खेल जो है वो खेला गया है, और ये अभी भी मजीद जिस तरह की पतंगबाजी जो है वो होती है, जिसकी वजह से कई जानें चली जाती हैं, क्या पैगाम देंगे कि इसको रोका जाए? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि मैं इंतजामिया से कह रहा हूँ कि जो बेचते हैं, जो बनाते हैं डोर को, पतंग को, उसको पकड़ा जाए, उसको करारे वाक्य सजा दी जाए, पाबंदी लगनी चाहिए। इसके ऊपर पाबंदी जो है वो लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस तरह का खेल, इस तरह की जानें जो हैं, या अपने माँ बाप से दूर होने का सदमा दोबारा से किसी माँ बाप